तो सबसे पहले हमें ये ग्लव्स निकाले इन्होंने, अपने हाथ में ये सैनिटाइजर लिया, सैनिटाइजर लेके ठीक है हाथ को ड्राई किया और उसके बाद ये ग्लव्स पहन लिए। नॉर्मल वाले डब्बे में जो आते हैं, एक डब्बे में 50 ग्लव्स आते हैं, वो नहीं। उसके बाद हम स्टेराइल जो हमारे डॉज पीस होते हैं उसको ओपन करेंगे और उसको बिना कहीं ग्लव्स वाले हैंड से निकाल लेंगे बाहर। अब इस डॉज पीस से हम इस पे डालेंगे एंटीसेप्टिक, उसके बाद एंटीसेप्टिक से इसको अच्छे से क्लीन करेंगे, उसके बाद इसको पहले स्टिच लाइन को क्लियर करेंगे अच्छे से और फिर बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ क्लीन करेंगे। बाहर गॉज पीस लगाने के बाद टांकों के ऊपर या कट के ऊपर नहीं लाएंगे। उसके बाद इसको दबा के देखेंगे एक बार कि अंदर से कुछ गंदा खून वगैरह तो नहीं निकल रहा। अंदर से कुछ नहीं निकल रहा तो उसके बाद हमें पता है कि अब हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कोई भी स्टिचेस नहीं लगे हैं, ड्रेसिंग स्टिचलेस है, ये टांके नहीं लगे हैं इसके अंदर कुछ भी। उसके बाद इसके ऊपर हम एक ड्रेसिंग स्टराइल गॉज पीस की एक पैडिंग लगाएंगे। ये एक स्टराइल ड्रेसिंग है जिसको कि हम ओपन करेंगे, पील करेंगे और इसको निकाल लेंगे। ये जो ड्रेसिंग होती है इसके एक सरफेस पे ये लेयर्स लगी होती है, अंदर स्टराइल पैड होता है, इसको निकाल के और इसको इस पैडिंग के ऊपर जो हमने रखी थी इसके ऊपर चिपका देंगे। अंदर के सरफेस को टच नहीं करना है और उसके बाद इसको चिपका देंगे बस। जैसा कि इसमें कोई ड्रेन नहीं है, गंदे खून की कोई स्टिचेस नहीं है, दैट इज ऑल। ये ड्रेसिंग है।